खबर बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र से है, जहां मृतक के परिजनों ने रास्ते पर शव रखकर जाम लगा दिया। सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगा रहे परिजन 22 वर्षीय श्रवण का कल सुबह पेड़ से शव लटका हुआ मिला था। गौर थाना क्षेत्र के हलुआ निवासी श्रवण का दोस्तों से विवाद हुआ था। विवाद के बाद अगली सुबह पेड़ पर श्रवण का शव लटका हुआ मिला। मृतक की मां ने गांव के दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर शव रख कर रास्ता जाम कर दिया। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के हलुआ बाजार का रहने वाला था मृतक श्रवण। सर, हमारे साथ जो है ना इंसाफी हो रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा जो है इस चीज़ को दबाया जा रहा है, जबकि इसका हत्या करके इसे टांगा गया है और पुलिस प्रशासन कह रही है कि आत्महत्या है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग पुलिस प्रशासन पहले भी जांच करने आई थी वो बोली कि इसे मार के टांगा गया हुआ है, और अभी पुलिस प्रशासन आई है तो बोल रही है कि आत्महत्या है, क्योंकि सर वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का जो है सपोर्ट लग गया है और हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग सर उतने बड़े लोग हैं नहीं, तो हमारा सुनवाई वहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। हमें न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है, पहले बोल रही थी कि इसका पूरा आपको जो है न्याय मिलेगा, लेकिन अभी बोल रही है कि आत्महत्या है, अभी न्याय क्या देंगे सर। हम लोग मजबूरी में, हम लोग बाहर रहते हैं सर, हमारा एक भाई है घर पे रहता था, हम लोग मेहनत मजदूरी करके बाहर खाते हैं सर, हम लोग कहाँ से इतना इनके मांगे पूरे करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।